नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे नवादा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे नवादा विधानसभा सीट की, साथ ही जानेंगे यहां के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। नवादा विधानसभा नवादा जिले में है और यह नवादा संसदीय क्षेत्र का भाग है। साल 1952 में इसका निर्माण हुआ। साल 2015 की बात करें तो मौजूदा समय में इस सीट पर राजद से राजवल्लभ प्रसाद विधायक हैं। उन्होंने इस चुनाव में 88,235 वोट हासिल किया था। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंद्रदेव प्रसाद को 71,509 वोट प्राप्त हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच कुल 16,726 वोट का अंतर रखा गया था। साल 2010 के चुनावी साल को हम देखें तो इस सीट पर जदयू और राजद के बीच भिड़ंत थी। राजद के टिकट से राजवल्लभ यादव खड़े हुए थे, जिन्हें 40,231 वोट मिले थे। वहीं जदयू के टिकट से पूर्णिमा यादव विधायक हुए थे, उन्हें इस चुनाव में 46,568 वोट हासिल हुए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच 6,337 वोट का अंतर था। साल 2005 के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार पूर्णिमा यादव विधायक हुए थे और साल 2000 और 1995 की बात करें तो इस दौरान राजवल्लभ प्रसाद विधायक हुए थे। वे साल 1995 में निर्दलीय प्रत्याशी थे, वहीं साल 2000 में वो राजद से रहे थे। साल 1990 के चुनावी साल को देखें तो इस साल भाजपा से कृष्ण प्रसाद इस सीट से विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को अगर हम देखें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक मूलभूत आवश्यकता को पूरा किया गया है, जिसमें पेयजल और बिजली की व्यवस्था अहम है। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला है और महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ोतरी हुई है। चुनावी मुद्दों की तरफ चले तो इस क्षेत्र में युवाओं का मुद्दा अहम है। रोजगार को लेकर लगातार मांग बनी है, उद्योग धंधों के विकास को लेकर लगातार मांग बनी है ताकि लोगों का पलायन रुक सके। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर NP समस्या को निपटाए जाने को लेकर शिकायत बराबर होती रहती है। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार राजद ने यहां से विभा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी है। NDA की तरफ से यह सीट जीतन राम मांझी के हम पार्टी के खाते में चली गई है। हम पार्टी ने राजेश कुमार निराला को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर यहां की लड़ाई जबरदस्त रहने वाली है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजद इस सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखती है या हम पार्टी यहां के सीट पर कब्जा करेगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।